Students, today we are going to explain this graph, which is very important for your final papers. So, हम देखते हैं इस graph में हर curve जो है, हर line क्या explain कर रही है. तो first line देखें students, सबसे पहले first line देखते हैं हम. तो first line देखें ये curve line है, ये straight line नहीं है. अगर ये curve line है, it's mean कि इसमें जो velocity में change आ रहा है, वो constant नहीं है. और हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो acceleration produce हो रहा है, वो non uniform acceleration. Students, अगर इससे पहले आपने non uniform graph वाली video नहीं देखी, तो यहाँ ऊपर आने वाले जो link है, उस पर click करें. पहले non uniform acceleration को understand करें कि वो किस तरह का graph बनाता है, फिर हम इस video को आपको समझाएंगे. तो students, segment 1 देखते हैं. इसमें जो velocity आएगी हमारे पास, वो इंक्रीजिंग होगी विद टाइम. इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि ग्राफ की लाइन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है. तो वेलोसिटी मैं यहां पर लिख देता हूं कि इंक्रीज हो रही है. एंड एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स यहां देखिए कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है पॉजिटिव, क्योंकि लाइन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में. जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव प्रोड्यूस होता है, वी नो दैट. अब इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव प्रोड्यूस हो रहा है एंड इंक्रीजिंग प्रोड्यूसर, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है विद टाइम. तो हम यहां लिखेंगे कि जो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीजिंग है. एंड पॉजिटिव है एंड नॉन यूनिफॉर्म है. मैं यहां लिख देता हूं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो सेगमेंट है टू है. अब टू सेगमेंट में देखें कि जो लाइन है वो ना अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है ना डाउनवर्ड. इट्स मीन यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, और वो लेट्स सपोज अगर 10 होगी तो पूरी लाइन पर वेलोसिटी 10 ही है. तो मीन स्पीड चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट स्पीड है. तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि जो स्पीड है सेगमेंट टू में वो कॉन्स्टेंट है. स्टूडेंट्स, अगर स्पीड कॉन्स्टेंट है, इट्स मीन कि एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो जीरो है, जीरो एक्सेलरेशन है. तो यहां पर जो है जीरो एक्सेलरेशन होगा और वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, यानी कि यूनिफॉर्म होगा. जीरो मीन चेंज नहीं हो रहा, तो जीरो कांस्टेंट ही हुआ एक तरह का. स्टूडेंट्स, इसी तरह सेगमेंट थ्री देखते हैं. सेगमेंट थ्री में देखें, अब ये स्ट्रेट लाइन बढ़ रही है, कर्व नहीं है. तो स्ट्रेट लाइन जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की होती है. तो यहां पर सबसे पहले हम वेलोसिटी का बताते हैं. वेलोसिटी जो है विद टाइम इंक्रीज हो रही है. तो सबसे पहले मैं वेलोसिटी लिख देता हूं कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. एंड एक्सेलरेशन जो है अब वो प्रोड्यूस कैसा हो रहा है, या देखिए वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कॉन्स्टेंटली. इट्स मीन कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, और एक्सेलरेशन जो है वो कॉन्स्टेंट है. यहां पर एक बात याद रखनी है कि यहां पर एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, एक्सेलरेशन इंक्रीज नहीं हो रहा. कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से जो है लाइन मूव कर रही है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन की होती है. तो यहां पर मैं लिखूंगा कि जो एक्सेलरेशन है वो कॉन्स्टेंट है, यानी कि यूनिफॉर्म एंड पॉजिटिव है, और वो यूनिफॉर्म. सेगमेंट फोर देखें स्टूडेंट्स. सेगमेंट फोर में अब ये लाइन डाउनवर्ड मूव कर रही है. इट्स मीन इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है. तो सबसे पहले मैं वेलोसिटी का लिखता हूं कि वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है. एंड एक्सेलरेशन के बारे में लिखते हैं. स्टूडेंट, अब देखें ये लाइन भी स्ट्रेट लाइन है, इसमें कर्व नहीं है. इट्स मीन कि जो एक्सेलरेशन है आपका वो यूनिफॉर्म प्रोड्यूस हो रहा है. तो यहां पर मैं यानी कि कांस्टेंट प्रोड्यूस हो रहा है. तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है. अब पॉजिटिव है या नेगेटिव, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो तो पॉजिटिव होता है. तो यहां पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा. ओके स्टूडेंट्स, अब सेगमेंट फोर हमारा हो गया है. सेगमेंट फाइव देखते हैं. अब सेगमेंट फाइव में जो आपकी वेलोसिटी है पहले वो डिक्रीज हो रही है, लेकिन उसके डिक्रीज होने का रेट कॉन्स्टेंट नहीं है. वो पहले ज्यादा डिक्रीज हो रही थी, फिर बाद में कम डिक्रीज होना शुरू हो गई है. तो मैं यहां पर लिखता हूं सबसे पहले वेलोसिटी के बारे में कि जो हमारी वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है. एंड एक्सेलरेशन के बारे में अगर हम लिखें कि एक्सेलरेशन जो है वो भी डिक्रीज हो रहा है. यहां देखें पहले जो आपकी वेलोसिटी का रेट था कम होने का वो बहुत ज्यादा था, फिर कम होने का रेट कम हो गया है, यानी कि डिक्रीज हो गया, यानी कि आपके जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीजिंग है, वो कम हो रहा है.
डिक्रीज, और ये नेगेटिव है एक्सेलरेशन क्योंकि लाइन जो है आपके नीचे की तरफ आ रही है, और ये ग्राफ भी नॉन यूनिफॉर्म है। मैंने आपको बताया था जहां एक्सेलरेशन डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा हो ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म होता है, और जहां कॉन्स्टेंट हो वो यूनिफॉर्म ग्राफ होता है। अब स्टूडेंट्स लास्ट सिक्स सेगमेंट देखते हैं। सिक्स सेगमेंट में देखेगा आपकी स्ट्रेट लाइन बढ़ रही है पहले, और वेलोसिटी जो है जीरो हो रही है, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर मैं पहले वेलोसिटी का लिख देता हूँ कि वेलोसिटी सिक्स सेगमेंट में डिक्रीज हो रही है, एंड उसका एक्सेलरेशन जो है वो अब देखिए कांस्टेंट है यहाँ पर कांस्टेंटली। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया था अगर लाइन स्ट्रेट हो तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बन रही है सिक्स सेगमेंट में, तो इट्स मीन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बट दिस टाइम दिस इज नेगेटिव। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है पर नेगेटिव है, नेगेटिवली कांस्टेंट है, और जो वेलोसिटी है डिक्रीज होकर जीरो हो रही है। तो ये हमारे पास एक्सप्लेन हो गया ग्राफ। स्टूडेंट्स अगर इसी तरह का कोई भी ग्राफ है जो आपको समझ नहीं आ रहा, आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं उसको, उसके अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको उसकी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में शेयर किए गए, आप उनके थ्रू भी हमसे कॉन्टेक्ट करके हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उसकी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।